स्वर अर्थात अपनत्व जितना ही सीमित होता है उतना ही स्वार्थ परिणाम में हानिकारक अशांतिदायक दुख देने वाला होता है। स्वर जितना ही वृहत और विशाल होता है उतना ही स्वार्थ भी पवित्र परिणाम में लाभकारक शांतिदायक तथा सुखप्रद होता है। जो केवल अपने व्यक्तिगत अथवा कुटुंब तक के लाभ के लिए ही सोचा करता है इसी को स्वार्थ समझता है। वह व्यक्तिगत लाभ के लिए चराचर जीवों तथा विश्व मानवों की तो कभी बात सोचता ही नहीं, देश को भी भूल जाता है। उसकी ईश्वर भक्ति देशभक्ति जन सेवा सीमित स्वार्थ के निम्न स्तर में उतरकर ईश्वर द्रोह और देश द्रोह तथा जन संतापक में परिणित हो जाती है। ऐसा ईश्वर भक्त देशभक्त तथा सेवक कहलाने वाला वास्तव में साधारण मनुष्य की अपेक्षा भी बहुत अधिक खतरनाक होता है समाज के लिए देश के लिए और विश्व के लिए, क्योंकि वह अपने निस्वार्थ भरे आचरण से ईश्वर देश तथा सेवा के पवित्र नाम को भी बदनाम करता है, उनके स्वरूप को लोक दृष्टि में गिराता है और आदर्श को भी नष्ट कर देता है। एक दिन जब कुछ लोगों ने मिरज के राम भक्त जयराम स्वामी की बड़ी प्रशंसा की और उनकी राम भक्ति का बखान किया तो वहाँ के हाकिम दलेल खान ने कहा, जरा मैं भी देखूंगा, ले चलना वहाँ मुझे भी। शायद वह उनका मजाक उड़ाने के फेर में था। वह अगले दिन जयराम स्वामी के कीर्तन में पहुँचा। जयराम स्वामी अपनी भजन मंडली में बोल रहे थे, जो मार्ग संतों ने दिखाया है उस मार्ग से जाओगे तो अवश्य ही राम जी के दर्शन होंगे। दलेल खान ने सुना और लौट आया। एक दिन उसने जयराम स्वामी को बुलाकर कहा, चलो तुम जिधर चलोगे मैं भी तुम्हारे साथ उधर ही चलता जाऊंगा, तो मुझे अपने रास्ते पर राम का दीदार अर्थात दर्शन कराना, न करा सके तो सजा पाओगे, क्योंकि साबित होगा कि तुम लोगों को झूठे बहकाते हो और क्रूर फैलाते हो। यह सुना तो जयराम स्वामी संकट में पड़ गए। पहुँचे समर्थ गुरु रामदास के पास। वे उस समय स्नान ध्यान करने की तैयारी में थे। जयराम स्वामी ने अपना संकट उन्हें बताया। पहले तो वे रुष्ट हुए, उन्हें भगा देना चाहा कि हर ऐसे वैसे को तुम राम जी से मिलवाने चले हो, राम न हुए कोई तमाशा हो गया। किंतु उस राम भक्त की प्रार्थना से उनका मन पसीज गया और उन्होंने कहा, दोपहर बाद चलो हमारे साथ। दलेल खां उन दोनों के पीछे चला। आगे मिरज का दुर्ग यानी किला था। आया तो समर्थ गुरु रामदास ने देखा दीवार में निशाने लगाने के लिए बंदूक की नली से भी चौड़े छिद्र बने हैं। गुरु रामदास ने तप और विद्या के बल पर अपना छोटा रूप बना लिया और दुर्ग में उसी छिद्र से चले गए। फिर उसी छिद्र से जयराम स्वामी को अपनी शक्ति से अंदर प्रवेश कराया और दलेल खां से कहा, खान देर न करो, तुम लोग भी आ जाओ यहाँ, राम इसी मार्ग में है, तुम यहाँ राम जी को खड़े पाओगे। पर दलेल खां में ये सामर्थ्य कहाँ था, कहाँ थी इतनी शक्ति कि वह उन छेलों के बीच से किले में घुस पाता। लज्जित हुआ और वापस लौट आया। सेवक देशभक्त और ईश्वर भक्त पद का अधिकारी वही होता है जिसका स्व यानी अपनत्व छोटी सीमा से निकलकर उत्तरोत्तर बड़ी से बड़ी सीमा में पहुंचता हुआ अंत में असीम में जा मिलता है। जिसका स्व सर्वभूतमय है वही सबका सच्चा सेवक बन सकता है। जिसका स्व देश के स्व में मिलकर देशात्म बोध की अनुभूति करा देता है वही देशभक्त होता है। और जिसका स्व असीम अनंत सर्वात्मा भगवान के साथ एकात्मकता को प्राप्त कर सर्वात्म रूप हो जाता है, जो प्रत्येक चराचर प्राणी में सदा सर्वदा भगवान के ही मंगलमय दर्शन करता है वही ईश्वर भक्त है। ऐसे लोगों के जीवन में उत्तरोत्तर त्याग की वृद्धि होकर वह सदा असीम की ओर अग्रसर होता रहता है। जितना जितना त्याग बढ़ता है उतना उतना उसका स्व का विस्तार तथा स्वार्थ पवित्र होता है। एक कुशल मूर्तिकार था, वह अद्भुत मूर्तियां बनाता था, लेकिन मूर्तिकार को अपनी इस कला पर बहुत अहंकार था। जब उसे लगा कि उसकी मृत्यु समीप ही है तो उसने यमदूतों को भ्रमित करने के लिए स्वयं की सजीव मूर्तियां बनाई। उसने ऐसी 10 मूर्तियां बनाई और उन मूर्तियों के बीच में स्वयं जाकर बैठ गया। जब यमदूत आए तो उन्हें एक जैसी 11 मूर्तियां दिखाई दी। वे इतनी सजीव मूर्तियां देखकर हैरान थे।
उनके समक्ष एक विचित्र दुविधा थी। यदि वे मूर्ति तोड़ते हैं तो कलाकार के सम्मान को ठेस पहुंचेगी, और यदि मूर्तिकार को यमलोक नहीं ले जाते हैं तो प्रकृति का नियम ही टूट जाएगा। तब एक यमदूत को मानव स्वभाव के एक लक्षण अहंकार के बारे में ध्यान आया। उसने कहा कि इन 11 मूर्तियों में से एक मूर्ति में भारी कमी है। जैसे ही यमदूत ने ऐसा कहा, मूर्तिकार तुरंत बोल उठा, कौन सी मूर्ति में त्रुटि है? मूर्तिकार के बोलते ही यमदूत तुरंत उसे पकड़कर यमलोक ले गए। अहंकारवश अपनी आलोचना सुनकर वह चुप नहीं रह सका। यही उसने गलती की। इसलिए अहंकार मानव स्वभाव का एक सबसे बड़ा दोष है, जिससे व्यक्ति दूसरों का नहीं बल्कि स्वयं का ही नाश कर लेता है। जो इंद्रिय भोगा सक्त है, जो नाम रूप के मिथ्या सुख का आकांक्षी है, जो प्रत्येक कार्य का भौतिक भोग फल चाहता है, वह कभी यथार्थ त्याग नहीं कर सकता। उसमें कहीं त्याग दिखाई देगा भी तो यह वस्तुतः भोग के साधन रूप में ही होगा। विशुद्ध त्याग का उदय उसमें नहीं होगा, और त्याग के बिना कभी न कभी सच्ची सेवा हो सकती है और न ही भक्ति और न ही प्रेम हो सकता है। निज भोग सुख के लिए जो विचार तथा कर्म होते हैं, उनमें परहित तथा पर सुख का ख्याल नहीं रहता, परंतु अवहेलना से और नीच स्वार्थवश तमसा आच्छन्न विपरीत बुद्धि हो जाने के कारण आगे चलकर दूसरों के दुख एवं अहित की चेष्टा तथा प्रयत्न भी होने लगते हैं। और यह निश्चित है कि जिस कार्य से दूसरों को परिणाम में असुख और अहित होता है, उससे हमारा परिणाम में कभी भी हित हो ही नहीं सकता। इसलिए परिणाम में अपना सुख तथा हित चाहने वाले बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य होता है कि वह अपने स्व को सीमित न रखकर विस्तृत करे और ऐसे ही विचार तथा कर्म करे, जिससे परिणाम में विश्व के प्राणी मात्र का सुख तथा हित का साधन हो सके। मनुष्य को अपने सीमित स्वार्थ को छोड़कर विस्तृत परमार्थ को अपनाना चाहिए। इक्ष्वाकु वंश में अर्थात रघुकुल में त्रिशंकु नाम के एक राजा हुए। त्रिशंकु की इच्छा सशरीर स्वर्ग जाने की थी, अतः इसके लिए उन्होंने वशिष्ठ जी से यज्ञ करने के लिए कहा। वशिष्ठ जी ने बताया कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को सशरीर स्वर्ग भेज सकूं। वशिष्ठ जी की असमर्थता प्रकट करने पर त्रिशंकु ने यही प्रार्थना वशिष्ठ जी के पुत्रों से भी की, जो दक्षिण प्रांत में घोर तपस्या कर रहे थे। इस पर वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा कि अरे मूर्ख, जिस काम को हमारे पिता नहीं कर सके, तू उसे हमसे कराना चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तू हमारे पिता का अपमान करने के लिए ही यहाँ आया है। उनके इस प्रकार कहने से त्रिशंकु ने क्रोधित होकर वशिष्ठ जी के पुत्रों को अपशब्द कहे, और वशिष्ठ जी के पुत्रों ने रुष्ट होकर त्रिशंकु को चांडाल हो जाने का शाप दे दिया। शाप के कारण त्रिशंकु का सुंदर शरीर काला पड़ गया, सिर के बाल चांडालों जैसे छोटे छोटे हो गए, गले में हड्डियों की माला पड़ गई, हाथ पैरों में लोहे की कड़े पड़ गए। त्रिशंकु का ऐसा वेश देखकर उनके मंत्री तथा दरबारी उनका साथ छोड़कर चले गए। फिर भी उन्होंने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा का परित्याग नहीं किया। वे विश्वामित्र के पास जाकर बोले कि ऋषिराज, आप महान तपस्वी हैं, मेरी सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा को पूर्ण करके मुझे कृतार्थ कर दीजिए। विश्वामित्र ने कहा कि राजन, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र ने अपने उन चारों पुत्रों को बुलाया जो दक्षिण प्रांत में अपनी पत्नी के साथ तपस्या करते हुए उन्हें प्राप्त हुए थे, और उनसे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने के लिए कहा। उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा वशिष्ठ के पुत्रों सहित वन में रहने वाले सभी ऋषि मुनियों को यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण भी भिजवा दिया। शिष्यों ने लौट कर बताया कि सब ऋषि मुनियों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, किंतु वशिष्ठ जी के पुत्रों ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि जिस यज्ञ में यजमान चांडाल हो और पुरोहित क्षत्रिय हो, उस यज्ञ का भाग हम स्वीकार नहीं कर सकते। विश्वामित्र भी क्षत्रिय कुल से ही थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। ये सुनकर विश्वामित्र जी ने क्रुद्ध होकर कहा कि उन्होंने अकारण ही मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं उन्हें शाप देता हूँ कि उन सबका भी नाश हो जाए। आज ही वे सब कालपाश में बंद कर यमलोक को जाएं और 700 वर्षों तक चांडाल योनि में विचरण करें।
उन्हें खाने के लिए केवल कुत्ते का मांस मिले और सदैव कुरूप बने रहे। इस प्रकार शाप देकर वे यज्ञ की तैयारी में लग गए। विश्वामित्र के शाप से वशिष्ठ जी के पुत्र यमलोक सिधार गए। वशिष्ठ जी के पुत्रों के परिणाम से भयभीत सभी ऋषि मुनियों ने यज्ञ में विश्वामित्र का साथ दिया। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने सभी देवताओं को उनका नाम ले लेकर अपने यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए आह्वान किया, किंतु कोई भी देवता अपना भाग लेने नहीं आया। इस पर क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने अर्घ्य हाथ में लेकर कहा कि हे त्रिशंकु, मैं तुझे अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेजता हूँ। इतना कहकर विश्वामित्र ने मंत्र पढ़ते हुए आकाश में जल छिड़का और राजा त्रिशंकु शरीर सहित आकाश में चढ़ते हुए स्वर्ग जा पहुँचे। त्रिशंकु को स्वर्ग में आया देख इंद्र ने क्रोध से कहा कि मूर्ख, तुझे तेरे गुरु ने शाप दिया है, इसलिए तू स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगे और विश्वामित्र से अपनी रक्षा की प्रार्थना भी करने लगे। विश्वामित्र ने उन्हें वहीं ठहरने का आदेश दिया और वे अधर में ही सिर के बल लटक गए। त्रिशंकु की पीड़ा की कल्पना करके विश्वामित्र ने उसी स्थान पर अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग की सृष्टि कर दी और नए तारे तथा दक्षिण दिशा में सप्तऋषि मंडल बना दिया। इसके बाद उन्होंने नए इंद्र की सृष्टि करने का विचार किया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर विश्वामित्र से अनुनय विनय करने लगे। वे बोले कि हमने त्रिशंकु को केवल इसलिए लौटा दिया था कि वे गुरु के शाप के कारण स्वर्ग में नहीं रह सकते थे। इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले कि मैंने इसे स्वर्ग भेजने का वचन दिया है, इसलिए मेरे द्वारा बनाया गया यह स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा और त्रिशंकु सदा इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज्य करेगा। इससे संतुष्ट होकर इंद्रादि देवता अपने अपने स्थानों को वापस चले गए।